दोस्तों, मैं रितु शुक्ला आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैंने आपके लिए आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। दोस्तों, ये इतनी क्रीमी और इतनी रिच है कि आप बोल ही नहीं सकते हैं कि ये आलू बैंगन की सब्जी है। इसे खाने के बाद शायद आपको पनीर का स्वाद भी फीका लगे। इसके लिए मैंने 4 बैंगन लिए हैं, 4-5 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। दोस्तों, ये सब्जी इतनी क्रीमी और इतनी रिच है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने इसमें कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जिसके कारण इसका टेस्ट बहुत ज्यादा लाजवाब हो गया। देखिए दोस्तों, अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल हमें थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि हम सैलो फ्राई करेंगे बैंगन को और आलू को, तभी इसका टेस्ट आएगा। तेल गर्म हो रहा है दोस्तों, अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बैंगन की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि लास्ट तक इसमें कुछ ना कुछ मसाले गए हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इसे सैलो फ्राई करना है। दोस्तों, हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, बहुत जरा सा नमक डालना है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। देखिए दोस्तों, इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा उलटते पलटते हुए इसे सेकना है। मैं थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ इसमें, जैसे बैंगन का भाजा बनता है ना, बस उसी तरीके से हमें इसे हल्का सा सैलो फ्राई करना है हल्दी और नमक डालकर। आप चाहे तो हल्दी नमक नीचे मिला के फिर इसको डाल सकते हैं तेल में, मैंने इसमें तेल में डालने के बाद मिलाया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें उलटते पलटते हुए इसे थोड़ी देर पकाना है, बहुत ज्यादा घुलने ना दे बैगन को। देखिए दोस्तों, ये हो गया, अब मैं इसे निकाल रही हूं। दोस्तों, ये जो तेल कढ़ाई में बचेगा, हमें आलू भी इसी में सैलो फ्राई करना है, मैंने अलग से तेल नहीं डाला था, मैंने पूरी सब्जी के लिए इसी कढ़ाई का यूज किया है, मैंने चेंज नहीं किया कढ़ाई। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। दोस्तों, आलू और बैंगन की पीसेस हमें ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, जैसा आप देख रहे हैं बस आपको वैसा रखना है, ताकि इसका टेस्ट है, नहीं तो आपस में घुल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आलू भी हो रहा है। दोस्तों, आलू बैंगन की सब्जी मुझे तो बहुत पसंद, आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आलू भी सैलो फ्राई हो गया, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी बनी थी, बिल्कुल होटल की तरह, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, मैंने अब इसमें थोड़ा तेल डाला है, क्योंकि अब हमें मसाले भुनने हैं। ये मैंने थोड़ा जीरा डाला, हम जीरा को चटकने देंगे। देखिए दोस्तों, जीरा अच्छी तरीके से पक रहा है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, मैंने एक प्याज ली थी। दोस्तों, आपको अगर प्याज का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो आप दो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। दोस्तों देखिए, ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, इसमें मिर्च, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है। इस पेस्ट को हम प्याज में डालेंगे। दोस्तों, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, आपको आगे देखते रहिए, आपको खुद पता चलेगा, और आप एक बार जरूर बनाइएगा इसे। देखिए, मैंने इसमें हल्दी डाली है,
मैंने एकदम बिल्कुल छोटे चम्मच से आधी चम्मच हल्दी ली है, ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है, ये धनिया पाउडर मैंने डाला है, ये 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च ली थी मैंने, अब मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डालूंगी 1/2 चम्मच। दोस्तों हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस इसी 4 मसाले से हमें बनाना है और ये बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भुनना है। देखिए इसका पानी पहले से कम हो चुका है, अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरीके से मसालों को भुनना है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें आलू बैंगन दोनों को मिला देंगे। हमारे आलू बैंगन पके हुए इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी लग रही है देखने से। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी सब्जी में नमक बाद में डाला कीजिए तो वो ज़्यादा टूटती नहीं है। हाँ आप जैसे हरी सब्जी होती है तोरी घिया इस सब में पहले डाल सकते हैं, पर इस तरीके की सब्जी में बाद में डाला कीजिए, या किसी तरीके की भुजिया होती है उसमें भी बाद में डाला कीजिए तो वो टूटती नहीं है। देखिए दोस्तों इस सब्जी के आगे आप पनीर का टेस्ट भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए दोस्तों मैंने बोला था ना मैं इसे बड़ा रिच फ्लेवर देने वाली हूँ, अब इसमें मैंने मलाई डाली है। ये दूध की मलाई है दोस्तों जो नॉर्मली दूध के ऊपर आती है, इसे मैंने फेंट के रखा था। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इस सब्जी के आगे आपको पनीर की सब्जी फीकी लगने वाली है, आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? बस दोस्तों अभी पकने वाली है। दोस्तों कभी भी मलाई डाले तो आंच को बिल्कुल धीमा करके डालें। ये गया गरम मसाला, मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा गरम मसाला लिया था, और मलाई मैंने 2 चम्मच डाली है। दोस्तों इस सब्जी को आप रोटी नान किसी चीज के साथ भी खाइए, आप दोबारा जरूर बनाएगा। मैं तो कहती हूँ अगर घर में कोई छोटी मोटी पार्टी भी हो तो आप एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, लोग आपके सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। इसके साथ नींबू और प्याज की स्लाइसेस रहे और रोटियां रहे तो बस मजा ही आ जाए खाने का। ये देखिए दोस्तों ये बन चुकी है, आइए इसे सर्व करते हैं। दोस्तों मेरे घर में तो बहुत ही पसंद आई, सबको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। आप बताइएगा आपके घर में सबको कैसी लगी। देखिए मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगी। दोस्तों हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए दोस्तों मैं एकदम बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही से पका और बहुत ही टेस्टी है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। मैं तो चली खाने, आगे किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। जय माता दी, बाय।